तो आज हम बनाएंगे माइनक्राफ्ट में एकदम प्रो लेवल के बिल्ड हैक्स। एंड ये वाले बिल्ड हैक्स सच्ची में बहुत ज्यादा प्रो होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में मेरी हालत टाइट होने वाली है। तो यस, इन अमेजिंग बिल्ड हैक्स को जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। एंड तुम्हें पता ही है, फिर तुम इन बिल्ड हैक्स को अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बना के अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में लगा सकते हो। चार चांद, यस, वाओ, क्या चार चांद लगा दिए भाई तूने ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो जो सबसे पहला बिल्ड हैक बनाने जा रहा हूँ मैं, वो होने वाला है एक टॉय कार। यस, अब तुम सोच रहे होगे कैसा सा टॉय कार होगा, पता नहीं, बट ये बहुत अमेजिंग है। ये सच्ची में बहुत ही प्यारा भी दिखता है, और भाई टॉय कार किसको नहीं पसंद, आई मीन कम ऑन मैन। तो यस, हम इसे बनाएंगे। इसके लिए मुझे कौन सा सामान चाहिए? ओके, इसके लिए मुझे पहले चाहिए डेलाइट सेंसर, एंड मुझे चाहिए आर्मर स्टैंड, एंड मुझे चाहिए वॉल्स, कोबल स्टोन। चलो इनकी ले लेते हैं। एंड यहाँ पे फिर मैं करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes, ऐसे 6 ब्लॉक्स का होल कर लो, एंड इसको एक एक ब्लॉक और नीचे लेके जाना है, क्योंकि हमारी टॉय कार अच्छी वाली बननी चाहिए ना भाई। एंड फिर इस डेलाइट सेंसर को बीच में ऐसे लगा दो, एंड फिर वॉल्स को ऐसे, एंड देन यहाँ पे आएंगे आर्मर स्टैंड, यस, ऐसे, एंड फिर इनके ऊपर चाहिए होगा तुम्हें स्कल, किसका? विद अ स्केलेटन का, यस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, इसको ऐसे पहना दो। एंड अब मुझे चाहिए होगा रेड स्टोन एंड एक पिस्टन, यप, एंड रेड स्टोन को लगा देना ऐसे, एंड एक पिस्टन ऐसे, एंड दूसरा पिस्टन ऐसे। ओ भाई साहब, मुंह दे के मार दिया इनका पीछे, हटा दो इन्हें अब। एंड अब तुम फिर कोई भी ब्लॉक ले सकते हो, मैं ये वाले ब्लॉक ले रहा हूँ। एंड तुम्हें यहाँ पे एक ऐसे छत बनानी पड़ेगी, यस, डरो मत, हमारी गाड़ी में सिर्फ छत नहीं होने वाली, बहुत सारी चीजें होने वाली है, रुको। एंड फिर तुम्हें यहाँ पे लगा देनी है वॉल ऐसे, एंड आर्मर स्टैंड, अरे टेढ़ा नहीं सीधा, यस। एंड फिर तुम्हें इन्हें भी पहना देना है स्कल, एंड यहाँ पे ऐसे दो पिस्टन, एंड मार दो इनको धक्का, यस, गुड, निकलो यहाँ से, थैंक यू सो मच पिस्टन्स। एंड अब ये सब तोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इनकी, जाओ। एंड इसी प्यारी लैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं हम। एंड फिर तुम्हें इस गैप को फिल करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे सैंड वाले के अराउंड बनाया, तो मुझे सैंड की जरूरत पड़ने वाली है ऑब्वियसली। ओ भाई, ये तो ऐसे ही गिर रहे हैं, हुए, ओके, मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, डैम, मैंने मतलब पहले दिमाग लगा लिया अनजाने में, वाओ, मम्मा विल बी सो प्राउड। ठीक है भाई, चुप। एंड या बस तुम्हें दो ब्लैक बैनर्स की जरूरत है, ब्लैक बिनोर, एंड एक को लगा दो एस, अरे भाई लगना रहा, ओके, लग गया, एक को लगा दो ऐसे, थोड़ा भूल जाता हूँ मैं, दूसरे को लगा दे ऐसे, यस। एंड बस फिर यहाँ पे दो ब्लॉक लगाने के बाद तुम अपना कोई भी फेवरेट स्टेयर ले लो, जैसे मैं इसको बनाऊंगा, कौन सी गाड़ी बनाई जाए इसे, ओके, इससे बनाते हैं, एंड इसको लगा दो ऐसे, अरे अरे भाई आगे, यस, गुड, आनी तो बात ही नहीं मानते, यस। एंड अब बस मुझे इसको ऐसे करना है, अरे नीचे, यस, गुड, एंड इसको भी नीचे करके, अरे प्लीज लग जा, तो मेरी बात नहीं मानता है, ओए लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, एंड ये, एंड ओए दोनों ही चल पड़े, ओ ओके, हो गया, ओ बन गया, ऑल राइट, नॉट बैड, बहुत क्यूट सा लग रहा है। एंड तुम ऐसे ही बहुत सारे कलर के बना सकते हो, येलो स्टेयर्स, वो जो पिंक टाइप के स्टेयर्स होते हैं, ऐसे तुम छोटे छोटे बना के एक अपना मिनी ट्रैक रेस भी बना सकते हो, ये बहुत क्रेजी है। ऑल राइट, डैम, पिद्दू सी कार भाई, माइनक्राफ्ट में देखो यार क्या क्या बन सकता है। ऑल राइट, चलते अपने नेक्स्ट बिल्ड हैक पे। एंड हमारा जो नेक्स्ट बिल्ड हैक होने वाला है, ये एक फर्नीचर होने वाला है, एंड इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है तुम्हारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। भाई तुम अपने घर में बना सकते हो, ये बहुत ही प्यारा फर्नीचर है। तो ये होने वाला है बेसिकली एक रियलिस्टिक सोफा, यस, एंड ओह नाइस, विलेज मिल गई, पर इसका क्या करूं मैं। चलो विलेज वालों, तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं एक बहुत ही प्यारा सा सोफा बना के जा रहा हूँ, क्या याद करोगे तुम? पहले थोड़ी सी घास फूस हटाने दो जी, ऐसे मजा नहीं आता है, यस, थैंक यू सो मच। अबे यार, अब ये पानी भी इकट्ठा करना पड़ेगा, कितना काम करवाते तुम मेरे से। ऑलराइट, बनाते हैं हम अपना एक प्यारा सा रियलिस्टिक बहुत ही प्यारा सा सोफा। इसके लिए मुझे चाहिए होगा चेस्ट एंड आर्मर स्टैंड, मेरे पास है ही, अरे कहाँ चला गया, ठीक है भाई दोबारा से लो। एंड तुम्हें दो ब्लॉक के बाद नीचे यहाँ पे चेस्ट रख देना ऐसे, एंड ऐसे दो ब्लॉक छोड़ के सिमिलरली तुम्हें यहाँ पे भी यही करना है, एंड फिर इनके ऊपर लगा देना है ऐसे आर्मर, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ऐसे आर्मर स्टैंड, थोड़ा टिल्ट करके लगाना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, वरना तुम बोलोगे ए भिक्षु भाई बनानी है, झूठ बोलते हैं भिक्षु भाई, तो भिक्षु भाई। एंड इसके बाद तुम इसे अपनी मन पसंद की कलर की कैप पहना सकते हो, आई मीन जिस कलर का हम आगे जाके बैट चूज करने वाले हैं, प्लीज उसी कलर का चूज करना, जैसे मैं यहाँ पे लेदर कैप्स चूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यूज करूंगा यहाँ पे ब्राउन बैट, तो बहुत ही अच्छा सिंग होएगा। अभी बस तुम देखते जाओ, इन्हें ऐसे पहना दो, एंड ले लो हाथ में बैट, वो भी ब्राउन, एंड फिर लगा दो इनको ऐसे, यस, एंड फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी पिस्टन की, एंड रेडस्टोन ब्लॉक भी ले लेते हैं, एंड यहाँ से एक ब्लॉक आगे तुम लगा दो पिस्टन, एंड इसके ऊपर लगा दो रेड ब्लॉक, एंड इसको तोड़ दो, आई मीन रेड स्टोन ब्लॉक, एंड ये जगह भर चुकी है, सेम यहाँ पे तुम्हें करना है अभी, तो जो अभी अच्छे से जगह भरी नहीं है, ये करना बाकी है, अरे ओके गुड, एंड लेट्स गो, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। तुम्हें चाहिए होंगे साइन बोर्ड एंड ट्रैप डोर्स
ये वाले एंड साइन बोर्ड को लगा दो ऐसे साइड्स में, बार बार भूल जाता है बिकसू तू, एंड सिमिलरली ट्रैप डोर्स को भी, एंड इनको ऊपर चक दो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज योर रियलिस्टिक सोफा विद टू कुशंस। Bro, this is good. This is actually good. मतलब तुम सोच रहे हो तुम्हें कोई मॉड की जरूरत नहीं है, तुम Minecraft में बिना मॉड के फर्नीचर बना सकते हो, और ये वाला तो बहुत प्यारा फर्नीचर है, और बहुत सारे कलर वेरिएंट बना सकते हो अपने रूम के थीम के हिसाब से, ये बहुत प्यारा जाएगा। So yes, here is your प्यारा सा सोफा, इस पे मौज करो, सोना है सो, तुम्हें कूदना है कूदो, ये देखो ये बाउंसी बाउंसी भी एकदम। चलो भाई बहुत बहुत मौज होगी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भाई आज के बिल्ड्स आई एम लिटरली लविंग देम। ऑल राइट, तो जो नेक्स्ट बिल्ड होने वाला है ये तो और ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो अब हम बनाने वाले हैं Minecraft में रियल लुकिंग, एकदम प्रॉपर वर्किंग, यस, ट्रैफिक लाइट्स, एंड उनके अंदर होंगे तीनों के तीनों सिग्नल्स, एंड ये बहुत ही प्यारा बनेगा। आ जाओ बनाते हैं इसे। बट आई एम फीलिंग लाइक बॉब द बिल्डर ऑफ माइनक्राफ्ट। ओके, इसके लिए हमें चाहिए होगा डीप स्लेट के ब्रिक्स एंड एंड साइड के वॉल्स। डीप स्लेट के ब्रिक को ऐसे रख के एंड साइड के वॉल लगा दो। मे बी ये वाले ज्यादा बेटर लगेंगे। यप यप यप, ये वाले बेटर लगेंगे। इनका नाम है डायोराइट वॉल, डायोराइट वॉल। ओके, तुम्हें जितनी बड़ी ट्रैफिक लाइट बना लिया तुम बना सकते हो, मुझे इतनी चाहिए, नहीं ज्यादा बड़ी होगी, इतनी ठीक है छोटू लोगों के लिए। एंड फिर तुम्हें चाहिए होगा डीप स्लैट, या ये रे ब्रिक स्लैब, इनको ऐसे लगाई दो, अरे ऐसे, ओ सॉरी, तुम्हें और आगे तक खींच के लाना पड़ेगा इन्हें। एंड फिर तुम्हें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ऐसे दो वॉल्स। ऑल राइट, अभी से फीलिंग आ रही है मुझे। एंड फिर तुम्हें चाहिए होगा कॉन्क्रीट ब्लैक कलर का, एकदम ब्लैक, एंड इसको लगा दो तुम दो बार। एंड अब आता है मेन काम, तुम्हें चाहिए होगा एक लूम, एंड लूम को रख दो कहीं साइड में आराम से, क्योंकि बहुत काम करना है अभी। एंड फिर तुम ले लो डाई ढेर सारी, जैसे कि रेड, ग्रीन, आई मीन लाइम एंड येलो, एंड फिर तुम्हें थोड़े बहुत ब्लैक डाई भी चाहिए होंगे। तो पहले तुम रेड वाले को रख के, अरे ओके बैनर तो लेना भूल ही गया मैं, नाइस नाइस, ओके सॉरी, ग्रे बैनर चाहिए होगा तुम्हें। बैनर को रख के एंड रेड वाले को रख के तुम्हें सिलेक्ट करना है ये, एंड फिर इसको वापस यहाँ पे रख दो। एंड अब बारी आती है ग्रीन की, एंड ग्रीन में तुम्हें चाहिए होगा ये वाला, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट येलो, एंड येलो में तुम ये, ओ यप, ये वाली डाई ले लो। एंड नाउ कम्स ब्लैक, अरे नहीं ये नहीं, ओह डैम दिस इज गुड। ओके, ये लगाने के बाद लास्ट में ये, ओह डैम, एंड अगर मैं इसे यहाँ पे रखूंगा, ओह माय गॉड, ओके ऑल राइट भाई, दिस इज अमेजिंग। माइनक्राफ्ट में तुम ट्रैफिक लाइट बना सकते हो ऐसे, मेरे को पता नहीं था। ऑल्सो कमेंट्स में सारे के सारे बिल्ड्स को रेट करना मत भूलना, मैं पढ़ता हूँ एंड मुझे मजा आता है। ऑल राइट, दिस इज गुड, बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले बिल्ड हैक पे। ऑल राइट, अब मैं कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज बनाने वाला हूँ, एंड इसके लिए हमें एक कमांड की जरूरत पड़ेगी, एक्चुअली एक नहीं दो, जो की मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बिकॉज मेरे प्यारे नमूने या मेरे प्यारे लोगों को भी ट्राई करनी होगी ना ये चीज। तो हम अब बनाने वाले हैं एक प्यारा सा टेलीस्कोप माइनक्राफ्ट में, विद द हेल्प ऑफ दैट, वो जो क्या आया था वो ग्लास सा, भूल गया मैं, तुम समझ गया यार मेरी बात, मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जो पहली कमांड चाहिए होगी उसे मेरे को लेके आने दो। ऑल राइट, ये है वो कमांड, बहुत बड़ा आई नो, बट तुम कॉपी पेस्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। एंड जब मैं इसे एंटर मारूंगा तो मुझे मिलेगा एक आर्मर स्टैंड, एंड ये आर्मर स्टैंड नहीं है, पहले तुम यहाँ पे ऐसे एक क्रॉस बना लो, एंड प्लीज इसको ध्यान से देखना वरना तुमसे ये ढंग से नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसे तुम्हें स्लांट खड़ा होके इसको लगाना है यहाँ पे, एंड सेम यहाँ पे भी स्लांट खड़ा होके ऐसे, एंड तीसरी साइड पे भी बिल्कुल ऐसे ही, एंड लास्ट साइड पे भी ऐसे ऐसे ऐसे, यस। तो तुम फिर देख सकते हो ये काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है एक बॉनफायर जैसा कुछ खड़ा हो गया है, बट एंड अभी तुम्हें इस डर्ट को फिल करना पड़ेगा, एंड इसको फिल करना इतना आसान नहीं होने वाला, तो प्लीज ढंग से देख लो। पहले सेम हवा में एक और ऐसा ही क्रॉस, एंड देन अगेन यहाँ पे, एंड अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी पिस्टोन की। अरे भाई मेरी बात ना मानता कभी भी। यस वेरी गुड, यस वेरी वेरी गुड, एक नंबर, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। अब मुझे चाहिए रेडस्टोन ब्लैक, एंड इनको लगा देने का ऐसे, अरे ओके ऐसे, एंड फिर ऐसे, एंड फिर ऐसे, अच्छा लग गया है, पागल हूँ क्या मैं। एंड फिर बीच में रेडस्टोन ब्लॉक्स को रख दो, एंड देन इनको भी लगा दो ऐसे ऐसे एंड ऐसे, एंड फिर इनको तोड़ दो, एंड लेट्स गो, दिस इज गुड, ओ माय गॉड, क्या बात है। अब बस तुम्हें एक और कमांड की जरूरत है, एंड मुझे उसको भी कॉपी पेस्ट करके लाने दो। एंड इस वाले कमांड से तुम्हें मिलेगा एक और आर्मर स्टैंड काइंड ऑफ थिंग, लेकिन ये आर्मर स्टैंड नहीं है, ये एक स्पाई ग्लास जो कि इसके ऊपर अभी आएगा बहुत अच्छे तरीके से, तुम देखते जाओ। एंड इसको लाना भी काफी ज्यादा ट्रिकी है, तो प्लीज ध्यान से देखना। तो इसके लिए तुम्हें पहले एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, एग्जैक्टली लाइक दिस, एंड फिर तुम्हें इसको लगा देना है ऐसे, ये थोड़ा साइड में अभी, तो इसको बीच में लाने के लिए तुम्हें एक चाहिए होगी पहले वॉल, एंड इस वॉल को लगा दो यहाँ पे, एंड फिर एक पिस्टन को तुम
इस साइड को फेस करते हुए लगा दो एंड फिर वापस से अपना फेवरेट रेडस्टोन ब्लॉक एंड जब मैं यहाँ पे इसे रखूंगा तो ये बीच में आ जाना चाहिए यप एंड अगर मैंने इसे तोड़ा तो ये बन जाएगा एक टेलीस्कोप ब्रो दिस इज लुकिंग टू गुड दिस इज टू गुड हमने पहली बार अपनी पूरी बिल्ड हैक की सीरीज में कुछ ऐसा बनाया है ओके दिस इज एक्चुअली गुड अगर तुम ऐसे नॉर्मल किसी सर्वर में बनाओगे ना जिसमें मॉड्स वगैरह अलाउड ना हो मान के चलो अगर हीरो ब्रांड एसएमबी में ऐसा बना देते तो लोग बोलते भाई ये पक्का कुछ ना कुछ मॉड से हुआ है ये बहुत क्रेजी लग रहा है ये बहुत अमेजिंग है एंड ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने नेक्स्ट बिल्ड हैक पे भाई सच में अच्छा लग रहा है मेरा देखने का मन कर रहा है बहुत देर तक तुम देख रहे हो कितना क्यूट सा टेलीस्कोप है एंड अगर तुम इसके आर पार भी चले जाओगे इसे कुछ नहीं होगा सबसे अच्छी बात यह है वरना मेहनत बर्बाद हो जाती अब जाते जाते एक प्यारा सा दृश्य भरा कुछ बना के जाते हैं कुछ भी बोल दिया मैंने एंड ये होने वाला है एक एंडर ड्रैगन की बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड फाउंटेन यस ये एक बहुत ही प्यारा सा मॉन्यूमेंट बिल्ड हो सकता है तुम अपने सजावट के लिए लगा सकते हो अपने वर्ल्ड में ये बहुत क्रेजी बनेगा बस इसको अच्छे से कैसे बनाना है प्लीज देखना ध्यान से इसके लिए मुझे थोड़ी बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी तो यस इसको साफ करने दो ऑलराइट Everything looks good. And अब हम करेंगे यहाँ से start with deep slate blocks. I mean bricks. एक दो तीन and then एक दो and फिर एक block ऐसे फिर एक दो and तीन and फिर तुम्हें पूरा ये वाला pattern यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा simple as that. Here you go. And फिर तुम्हें deep slate के stairs भी चाहिए होंगे deep slate bricks के I mean to say. ऐसे 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 अरे ऐसे ऐसे एंड ऐसे ओह वाओ दिस इज ऑलरेडी लुकिंग गुड एंड एक वॉल भी ले लो एंड इसको बीच में लगा दो ऐसे अरे नहीं वॉल नहीं स्टेयर अरे नो अरे क्या हो रहा है ये ब्लॉक ओ यस ब्लॉक है एंड फिर इसके ऊपर एक फेक प्लेटफॉर्म बना लो जस्ट लाइक दिस एंड देन इनको ऐसे उल्टा लगा दो ताकि इनसे एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन जाए ये 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 वाला फाउंटेन बहुत प्यारा है मैंने बहुत सारे फाउंटेन के डिजाइन देखे हैं बट ट्रस्ट मी दिस वन इज टू गुड एंड फिर इसके बीच में भी रख दो एक ब्लॉक ऑल राइट एंड एज ये एक फाउंटेन है तो इसको पूरा भर डालो अच्छे से एकदम पूरा ऊपर तक मतलब ओवरफ्लो ना हो जाए यस ओके यार ये ना मैं किसी कहीं तो बनाऊंगा ये पहले इसको पूरा करते हैं एंड देन तुम्हें चाहिए होंगे आयरन के ब्लॉक्स एंड ट्रस्ट मी ये शेडर्स के साथ बहुत प्यारा लगता है एंड ये बनेगा एक स्वॉर्ड क्योंकि भाई अगर ड्रैगन का स्वॉर्ड है तो छोटू थोड़ी ना होने का बड़ा स्वॉर्ड यस इसको तीन ब्लॉक तक ऊपर लेके जाना है एंड फिर तुम्हें चाहिए रहेंगे स्लेब्स एंड इनको लगा दो ऐसे एंड साइड में भी ऐसे एंड थोड़ी और डिटेलिंग के लिए तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो ऐसे यप दिस इज लुकिंग मोर गुड एंड फिर ले लो ये प्यारे से ट्रैप डोर्स एंड इनको लगा दो ऐसे एंड ऐसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक सम साइन बोर्ड्स एंड इनको एंड पे लगा दो एंड थोड़े साइड्स में भी एंड पीछे भी सेम गोस हेयर एंड लास्ट में हमें चाहिए होंगे एक डिफरेंट टाइप के ट्रैप डोर्स जिनसे हम करेंगे इसको डिजाइन एंड लास्ट पे यहाँ पे लगा दो एंड दिस इज डन दिस इज सो गुड हमने ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे जिनके अंदर छोटी छोटी तलवारें होती हैं एंड यस उन डिजाइन से पक चुके हैं अब हम सो यस हियर इज अ न्यू बिग डिजाइन एंड एज आई सेड ये शेडर्स के साथ और प्यारा लगता है तुम इसे आराम से अपने प्यारे से वर्ल्ड में बना सकते हो एंड यस तुम और भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो अगर तुम जाते हो बट आज की वीडियो के लिए इतना ही आई होप तुम लोगों को ये बिल्ड हैक्स पसंद आए हो एंड प्लीज रेटिंग्स देना मत भूलना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लीव अ लाइक एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन टिल देन पीस आउट बीट पे गदर मचेगा खटेगा पिज्जा सब में बटेगा बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा आई स्वेयर चल जाने दे बेटा अरे बस कर भाई ऑलराइट आई डोंट नो यहां तक कौन देख रहा होगा वीडियो बट जो भी देख रहा है आई रियली अप्रिशिएट यू आई लव यू एंड अ स्मॉल सीक्रेट मैसेज फॉर यू यू आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ कीप इट अप एंड स्ट्रेस नहीं लेने का ठीक है बस दैट्स इट बाय बाय